माताओं में से कोई को नहीं उठना है। हाँ जी, कोई छेड़ छोड़ता है तो उसके अंतिम लेके जाते हैं शमशान में। हाँ यात्रा, तो जब बोलते हैं कि राम बोलो भाई राम, ऐसे ही बोलते हैं हर एक। राम राम नाम सबसे हाँ जी, ऐसा है। ऐसा इसलिए कि जब जीते जिनको कोई मरते हैं तो उनकी बुद्धि में क्या बैठ जाता है, कौन सच्चा है, कृष्ण सच्चा है, कृष्ण गीता का भगवान है या राम के द्वारा निराकार राम गीता का भगवान है। तो अंत समय में जब दुनिया खलास होती है तो सबकी बुद्धि में बैठता है अंत में
एक सच्चा और बाकी सब सब एक माना जो सब मनुष्य आत्माओं का बाप है, आत्माओं का बाप है वो ही सच्चा और बाकी सब सब झूठे। तो राम नाम सत्य कहते हैं, अंत में कहते हैं, अभी सबका अंत आया हुआ है, सबको अंत में मानना पड़े कि राम ही सच्चा है। इसके लिए कहते हैं घट घट ग्रमते राम रमैया, तो मन बुद्धि में रमण करते हैं या प्रवेश होकर रमण करते हैं? मन बुद्धि में रमण करते हैं। और सिर्फ टाइटल मिलने से काम हो जाता है? टाइटल लेना अच्छा है या ओरिजिनल बनना अच्छा है? आज के राजाएं होते हैं उनको टाइटल महाराजा का मिल गया, राजा तो नहीं बने, महाराजा बने तो नहीं, ये तो घाटे का सौदा हो गया। भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है, सात नारायणों के मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, नहीं बनती हैं? क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो बाप की ग्लानी करने के निमित्त बन गए। इसलिए सदगुरु निंदक ठहर न पावे। यहाँ भी नई दुनिया में ठहर नहीं पाते हैं जो 16 कला संपूर्ण दुनिया है बाप की बनाई हुई, और वहां भी मंदिरों में उन सात नारायणों को ठहर नहीं मिलता है। नारायण का मतलब टाइटल होता, नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर, सब में एक जैसा ज्ञान होगा क्या है? एक जैसा ज्ञान तो हो नहीं सके, अपने अपने ग्रुप में वो जाति ज्ञानवान है। जैसे इस्लाम धर्म का निमित्त जो नारायण है, इस्लाम धर्म वाली संख्या कितनी कोटों में है, परंतु उनमें सबसे जाति ज्ञानी कौन है? इस्लाम धर्म का जो दूसरा नारायण होगा वो अपने ग्रुप में सबसे जाति ज्ञानी है। ऐसे ही सभी नारायण, जितना जितना उच्च कोटि का नारायण बनता है उतना जाति ज्ञानी होता है, लेकिन अपने ग्रुप में औरों के हिसाब से ये टैली किया जाता है। एक होता है गधेड़ों का संप्रदाय, एक होता है शेरों का संप्रदाय, कौन से संप्रदाय का राजा बनना अच्छा और कौन से संप्रदाय का बच्चा बनना अच्छा? शेरों के संप्रदाय का बच्चा भी बनना अच्छा, और शेर जैसा होगा कभी धोखा देने वाला नहीं होगा। बाबा, दादियों ने इतना गुम किया भगवान को, तो उनको तो शरीर सहित सजा देनी चाहिए ना? है तो बोलते तो हैं, ऐसे नहीं संकल्पों से सजा खा के खत्म कर देंगे, शरीर धारण करा के सजा दूंगा। वो शरीर तो नहीं है ना, जो कोई भी शरीर हो, शरीर के द्वारा ही उनको तकलीफ होगी ना। जैसे आज की दुनिया में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो औलियों के पास ले जाते हैं ना,
औलिए क्या करते हैं, पहले उनकी आत्मा को बांध देते हैं उस शरीर में और बांध करके फिर पिटाई करते हैं। तो शरीरदारी को दुख होता है या जो आत्मा बांध दी गई उसको दुख होता है? शरीरदारी को दुख होता है, है? अरे सूक्ष्म शरीर से प्रवेश तो करेंगे कि सूर्यवंशी बन गए, किसको दिखाई देगा? सबको दिखाई देगा, सब दुनिया में जानेंगे कि 33 करोड़ देवताओं में कौन कौन प्रवेश करते हैं दूसरे धर्म के, असलियत पता तो चलेगी ना, है? अभी अभी जगदीश भाई की आत्मा आती है, प्रवेश करती है ना, क्या बोलती है, मैंने तो बीड़ा उठाया था बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, जब शरीर छोड़ दिया तब पता चला कि बाप कौन है, बाप को मैं प्रत्यक्ष नहीं कर सका। अरे आई नहीं तो आकर के बोलती कैसे है प्रवेश करके? वो तो एडवांस में आई ना। हाँ तो एडवांस में आई, लेकिन जो साक्षात जिस संदेशी ने साक्षात्कार किया और जिसमें प्रवेश करके बोला तो वो समझ में तो आता है और ज्ञान के आधार पर तो समझ में आ रहा है सबको, उस आत्मा का तो समझ में जाती आना चाहिए, तो उनको तो सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, बंधन छूट जाता है लोकलाज कर, दादी हो या जगदीश भाई हो जब तक साकार शरीर में थे तो अपने साकार चेले चपाटों के बंधन में थे, ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी इनके सामने, और शरीर ही छूट गया तो आत्मा लोकलाज के बंधनों से मुक्त हो गई, वो ज्ञान की गहराई को समझ लेती है, बाप के पार्ट को जान लेती है, परंतु उनका प्रवेश किस में होगा, है? सूर्यवंशियों में प्रवेश हो जाएगा क्या? जो उनकी कैटेगरी की आत्माएं होंगी उनमें ही प्रवेश करेंगे। और वो कहेंगे अगर हम पुरुषा पाप करें आप बाबा को क्यों रहे हैं? हाँ। तो अभी हम पुरुषा तो करके पर सारे तो नहीं बाबा। तो ठीक है, अपने कैटेगरी की प्रजा में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को पलटे। तो वो कहा देखने आ रहे हैं? बोला है ना मुरली में, लाख 10 लाख देंगे तो उनको टाइटल मिल जाता है, कोई को सेकंड नारायण का टाइटल मिल जाएगा, कोई को सातवें आठवें नारायण का टाइटल मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? लाख 10 लाख जो उनकी प्रजा है उनकी बुद्धि घुमानी पड़े, कितना भटकना पड़ेगा आत्मा को, फिर सूक्ष्म शरीर से भटकना कोई अच्छी बात है क्या? है ये सजा कम है क्या? और जो आत्मा होती है प्रवेश करने वाली वो बीमारी भी लाती कैसे रहेगी अंदर? ला सकती है की अपने से, उनसे जो कमजोर आत्मा है उनमें प्रवेश करके बीमारी ला सकती है, उसका हिसाब किताब ऐसा होगा तो लाएगी, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो कनेक्शन खत्म करने के बाद अपना पावर पूर्ण जो प्रवेश करने के बाद पावरफुल नहीं हो जाती, शरीर छोड़ने के बाद पावरफुल हो जाती, प्रवेश जिसमें करेगी उसके संग का रंग उसको लगेगा। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है और जिसमें प्रवेश किया है उनमें जास्ती पावरफुल कौन सी है? प्रवेश करने वाली जास्ती पावरफुल है, जो प्रवेश करने वाली आत्मा है अगर बीज रूप में प्रवेश करती है तो वो बीज रूप आत्मा ज्यादा पावरफुल है, जो उनको अपने संग के रंग में लाकर बीज रूप से धारण कराई देती है, जब तक इधर है तब तक पावरफुल, और जैसे ही
वो संग का रंग छूटा, फिर सूक्ष्म शरीर धारण किया, तो कहाँ चले जाते हैं? फिर अपने कुल में चले जाते हैं। अपने कुल की जो आत्मा होगी उसमें आकर के कार्य करते हैं, या उनसे नीचे वालों में प्रवेश करते हैं। और तो ब्रह्म बाबा के लिए ना, सभी के लिए जो जिस ग्रुप की होगी वो अपने ग्रुप वालों में अथवा नीचे वाले ग्रुप वालों में प्रवेश करके पाठ बजाती है, खुद ही प्रवेश कर सकती है। लेकिन लास्ट नारायण तो खुद ही शरीर छोड़ देता है, जब शरीर छोड़ देगा तो प्रवेश करने की बात खत्म हो जाती है। और प्रकाश कौन सा है, स्थूल प्रकाश होता है या ज्ञान का प्रकाश होता है? इम्प्योरिटी का अंधकार और प्योरिटी का प्रकाश होता है। और वायु से एक अंतर के मुल्य में होता है, जब कोई मधुबन में आता है तो निमित्त बनी हुई बहनों से अपना सर्टिफिकेट ले जाओ, यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराज पुरी में काम आएगी। निमित्त बनी बहने कौन है? निमित्त बनी बहनों को बाप से काम है। निमित्त बनी बहनों को बाप से काम है? लेकिन आत्मा बनी हो तब तो पहचानेगी। अगर आत्मा नहीं बनी है तो आत्मा के बाप को पहचानेगी कि निमित्त कौन है आत्माओं का? अरे आत्मा बनी है तो जो आत्मिक स्थिति वाले हैं 4.5 लाख पक्के, उनका निमित्त कौन है? उनका निमित्त दीदी दादी दादाएं हैं, या जिसमें वो प्रवेश करता है वो ही निमित्त है? हर एक राजा अपनी प्रजा का निमित्त है। और रूहानी डॉक्टर और जिस्मानी डॉक्टर, हाँ जी, अरे जिस्मानी डॉक्टर होगा वो 5 तत्वों का विश्लेषण करेगा या आत्मा का विश्लेषण करेगा? एक ही जन्म का विश्लेषण करेगा या अनेक जन्मों का विश्लेषण करेगा? एक जन्म का करेगा, तो सीमा में बंधा हुआ हो गया। और रूहानी डॉक्टर वो तो असीम हो गया। और आजकल जो राम सेतु का विवाद चल रहा है, हाँ जी, उसमें अध्यात्म क्या हो रहा है? जो राम ने पुल बनाया ये कथा आती है, राम संप्रदाय से लेकर रावण संप्रदाय तक, वो पुल अभी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से तोड़ने का फैसला ले लिया, यही है ना? तो वेद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ज्ञान का पुल बंधा हुआ है एडवांस पार्टी से लेकर के बेसिक नॉलेज तक, पहुंच रहा है कि नहीं ज्ञान? और पत्थर बुद्धि एडवांस पार्टी के ज्ञान सागर में तैर रहे हैं या नहीं तैर रहे हैं? तैर रहे हैं। उस बने हुए पुल को रावण जिसके राज्य में आक्रमण होने वाला है, तो जिसके राज्य में आक्रमण होता है वो पुल को तोड़ देता है या बरकरार रखता है? हैं? तोड़ देता है, तो वो भी तोड़ना उनका काम है। और जिनके ऊपर आक्रमण हो रहा है उनका काम है पुल को न तोड़ने देना। माना भक्ति मार्ग में जिनकी राम के ऊपर आस्था है वो बिगड़ जाएंगे, राम से तो नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिन्होंने राम को पहचाना है वो नहीं चाहेंगे कि ये सेतु टूट जाए, ज्ञान रत्नों का पुल टूट जाए। संपर्क बना रहे तो अच्छा है, वो संपर्क तोड़ना चाहेंगे।
और हम संपर्क जोड़ना चाहेंगे, कनेक्शन में आएंगे तभी तो विजय पावेंगे। कनेक्शन में नहीं आएंगे तो हम विजय किसके ऊपर पावेंगे, और विजय नहीं पावेंगे तो विश्व विजयी कैसे बनेंगे। सारे विश्व के ऊपर राज्य करने वाले बनना है या छोटे मोटे राज्य अधिकारी बनना है? है वो तो अपनी छोटी मोटी राजाई बचा के रखना चाहते हैं, जितने लंबे टाइम तक बची रहे तो बची रहे, तो क्या करते हैं कनेक्शन तोड़ देते हैं। उधर जाओ तो इधर मत आओ, इधर आओ तो उधर मत जाओ। लेकिन राम सेतु के जो पत्थर है वो अभी भारी है ना, ग्रैंड जल के अंदर डूबे हुए, लेकिन भारी है, अगर वो हल्के हो जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे। हल्के हो जाएंगे वो स्थूल पत्थरों की बात है कि बंदर बुद्धि मनुष्यों की बात है? हैं? बंदर बुद्धि पाप का बोझ जब जाति बढ़ जाता है तो पत्थर बुद्धि बन जाती है। क्या जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, ईश्वरीय ज्ञान मिलता जाता है, तो पुण्य और पाप की गति भी गहरी हो जाती है। लौकिक दुनिया में पाप करते हैं तो एक गुना वजन चढ़ता है, और अलौकिक दुनिया में पाप का बनने के बाद अगर पाप करते हैं तो 100 गुना 1000 गुना भी वजन चढ़ता है। तो ज्यादा पत्थर बुद्धि कब बनते हैं? अभी बनते हैं। और बाबा प्रूफ प्रमाण बुद्धिमान लोग मानेंगे नहीं, तो ये बुद्धिमान लोग दुनिया वाले हैं, नीचे से हैं या पृथ्वी के से? सभी जगह है। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? जो बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो बुद्धिशाली होते हैं वो प्रूफ और प्रमाण काबिज रखते हैं, या जो बुद्धू होते हैं वो प्रूफ और प्रमाण को काबिज रखते हैं? है? जो बुद्धिमान होते हैं वो हर बात का प्रूफ और प्रमाण काबिज रखते हैं। मान लो ट्रेन में सफर किया, एरोप्लेन में सफर किया, सफर करते समय जो टिकट मिली वो टिकट प्रूफ है या नहीं है? प्रूफ है। बुद्धिशाली होंगे तो टिकट का प्रूफ संभाल के रखेंगे। क्यों? आज की दुनिया में पता नहीं कब किसके ऊपर क्या आफत आ जाए, कौन सा झूठा केस लग जाए, और टिकट होगा तो कोर्ट में दिखाएंगे, देखो हम तो यहाँ सफर कर रहे थे, हमने कहाँ से इनकी हत्या कर दी। है? तो वो 100 गुना बोझ और चढ़ता है। और बाबा वर्ल्ड क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता गया था तो कभी ब्राजील में मम्मी के आईपीएल की में है 83 में वर्ल्ड मतलब यहाँ पे चुना हुआ था वर्ल्ड कप भी जीता गया था। अभी फिर से वर्ल्ड कप जीता गया 2007 में। अभी अभी मिस इंडिया तक का चुनाव होता था, अभी अभी मिसेज इंडिया का चुनाव होने वाला है। और ध्यान में चलने वाला एक सवाल था, हम ध्यान में आने के बाद हमको बीमारी कैंसर की बीमारी आती हो जाए। हाँ, ज्ञान में आने के बाद कि एडवांस में आने के बाद? बताया कि बेसिक में जो पुरुषार्थी होते हैं वो बेसिक पढ़ाई वाले छोटे पुरुषार्थी होते हैं या बड़े पुरुषार्थी होते हैं? छोटे छोटे पुरुषार्थी, बचपने के पुरुषार्थी होते हैं, और एडवांस में आने के बाद बड़ा ज्ञान है तो बड़े पुरुषार्थी होते हैं, तो माया भी बड़ा रूप धारण करके आती है, तो बीमारी भी बड़ा रूप का आएगी। कहते हैं कि बेसिक में हमारी वृत्ति इतनी खराब नहीं होती थी, दृष्टि खराब नहीं होती थी, कर्मेंद्रियों से इतने विकर्म नहीं होते थे,
एडवांस में आने के बाद इतनी अवस्था क्यों खराब होती है? भगवान पढ़ाते हैं। अरे भगवान सर्वशक्तिवान है तो भगवान का मुकाबला करने वाली माया भी सर्वशक्तिवान है, वो रुस्तम से और ही रुस्तम होकर के लड़ती है। और ये बीमारी विजय प्राप्त करने के लिए आगे चल के और ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं युक्ति देता हूँ मैडम। है युक्ति तो आत्म किसी थी, देहवान जितना बढ़ता है उतना बीमारियां बढ़ती हैं। देवताओं को देहवान होता ही नहीं तो बीमारियां होती ही नहीं। हाँ। राम ही रावण बनता है, कुछ नहीं करता है। तो राम तो नारायण बन जाएगा? नारायण बन जाएगा, पहले रावण बन जाएगा कि पहले नारायण बन जाएगा? तो नारायण जो बनेगा 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, उससे पहले पूरा कलाहीन कौन बनेगा? वो ही 100% कलाहीन बनेगा। तो अभी इसकी अवस्था अच्छी है, ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे अभी ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन 84वें जन्म में सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? वो भी तो शूटिंग का पीरियड है। अभी क्यों बनेगा? अभी इसलिए बनेगा कि अभी 4 युगों की शूटिंग हो गई। बार बार अरे रिहर्सल होता है ड्रामा का, तो एक बार रिहर्सल होता है या बार बार रिहर्सल होता है? बार बार रिहर्सल होता है। कृष्ण की आत्मा तो साकार शरीर में है नहीं। साकार शरीर में नहीं है तो कोई साकार शरीर में ही प्रवेश करके कंस का पार्ट बजाती है, कृष्ण का पार्ट बजाती है। कंस का पार्ट बजाती है तो काला, और कृष्ण का पार्ट बजाती है तो गोरा। हाँ, धर्म की ज्यादा धारणा किसने की? चलो बेसिक नॉलेज थी, ज्यादा गहरी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उस बेसिक नॉलेज में भी जास्ती धारणा किसने की? ब्रह्मा ने की। अभी भी एडवांस नॉलेज है, एडवांस नॉलेज अगर वो पक्का समझ जाएगा गीता का भगवान कौन है, तो जास्ती धारणा कौन करेगा? ब्रह्मा ही करेगा। नहीं तो बाबा वो काली का पार्ट है ना, महाकाली का पार्ट है। हाँ? पर वो तो पुरुष नहीं है ना। तो क्या हुआ? तो पुरुष तन में रुद्रमाला का मणका तो है, पुरुष तन में क्यों चाहिए? माने कोई माताएं ऐसी नहीं होती हैं जो ज्यादा काली बन जाएं? पुरुष ही होते हैं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। दुनिया भक्ति मार्ग में तो माना है पुरुष है धर्मराज, माना यमराज। हाँ तो यहाँ तो बेहद की बात है, यहाँ कोई हद की बातें तो नहीं है। बाप आते हैं तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाए देते हैं। वो तो स्वभाव संस्कार वाला। हाँ, स्वभाव संस्कार की ही, यहाँ आत्मा की बात हो रही है कि देह की बात हो रही है? स्वभाव संस्कार आत्मा में होता है या देह में होता है? कैसे मानेगी ये धर्मराज? अब जब ज्ञान समझेंगे तभी माने। अभी आपने समझ लिया? समझ लिया? जिसको समझ में आ जाएगा वे कोई गलती नहीं करेगा कि धर्मराज का पार्ट कितना कठोर होता है। उससे तो अच्छा बीमारियों में पड़े पड़े हॉस्पिटल में तड़पते रहे सारी जिंदगी, वो ज्यादा अच्छा। कम से कम पाप तो भस्म होंगे, धर्मराज की सजाएं तो नहीं खानी पड़ेंगी। सजाएं भी खाओ और पद भी कम हो जाए हॉस्पिटल में। सजा खाने वालों को पद कम नहीं होगा, और ही पाप कर्म भस्म होते रहेंगे, हल्के होते रहेंगे। अब वो अच्छा लगता है तो वो सजा खा लो। अगर अच्छा लगता है योग बल से भस्म करना, क्योंकि योग बल, जब योग बल धारण करते हैं तो आत्म की स्थिति धारण करनी पड़ती है।
और जब आत्मा बनते हैं तो लड्डू पेड़ा सामने रखा है, रसगुल्ला सामने रखा है, बुद्धि उसमें नहीं लगानी है, कहाँ लगानी है? दिल करता है अभी खा ले। और बाबा क्रिश्चियन के अगले कहानी में कहते हैं, अगले कहानी में कि एक ही जन्म का साथ है, सदा साथ साथ रहेंगे, बाप दादा एक पल के लिए एक दूसरे से अलग कुछ नहीं हो सकते, ऐसे नहीं समझना बाप है दादा नहीं या दादा है बाप नहीं है। अभी जिनके सामने बोला उनके लिए तो एक बाप बाप और ब्रह्मा व दादा है, ब्रह्मा व किसके लिए बता रहे हैं अगले कहानी में? हिमाच करके नहीं बोलते लेकिन उनके सामने बोलना तो उनको फंसाना हो गया, उनको तो फंसाना हो गया, उनके लिए तो बाप दादा माने बाप। वो खुद ही फंसते हैं कि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे वो फंसेंगे या स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कितने दिन में, चार दिन के बाद जब ब्रह्मा बाबा इसे बता रहे हैं पूजा दादी के सामने, तो ब्रह्मा बाबा ने साकार बाप को पहचाना हुआ था? वहाँ पहचाना हुआ था, जब प्रवेश करते हैं तभी पहचानते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो वहाँ भी निराकार। छोड़ने के बाद है तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं समझना बाप है दादा नहीं है, हाँ या दादा है बाप नहीं है, हाँ दोनों है। हाँ हाँ, बाप वो किसको समझते हैं? बोलने वाले ब्रह्मा को किसको समझते थे? बाप तो निराकार को ही समझते थे, वो प्रजापिता को बाप समझते थे क्या? तो उससे पहले बोला कि एक ही जन्म साथ साथ रहेंगे, एक पल के लिए एक अलग नहीं होगा। जिस जनरेशन के सामने बोल रहे हैं उनके सामने रहेंगे, न कि सूर्यवंशियों के साथ रहेंगे। बाबू वही वाणी ने आगे पहला लिखा है कि रूहरियन करने के लिए बाप तुम बच्चे से मिलने के लिए आया, मतलब बाबा सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे हैं ना, यहाँ पर कहीं पर बाबा बैठे हैं ठीक है, वहाँ पर बाप दादा अलग नहीं हो सकते। बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहाँ नहीं बैठना है, उनके लिए कौन बाबा कहते थे? बाबा के लिए कौन बाबा कहते? गुलजार दादी बार बार बाबा कहती है तो किसके दो बाबा है, उनको अलग अलग नजर आते हैं कि नहीं? सूक्ष्म वतन में तो नजर आते हैं, सूक्ष्म वतन में उनको दो बाबा है अलग दिखाई पड़ते हैं, शिव बाबा अलग, शिव बाबा ने बोला ब्रह्मा बाबा ने बोला तो अलग अलग हो गए ना। आज भी ब्रह्मा के स्वरूप बाबा प्रजापिता को बाबा बाबा मानती है क्या? जब प्रवेश करती है तो उस समय कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं, अब पढ़ाई अधूरी है तो नीम अकी में खतरे जान, फिर सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके मोह माया बढ़ जाती है। बाबा तो नंबर वन स्टूडेंट वही बोला गया ना, तो एक क्लास में नंबर वन का स्टूडेंट भी उसी को बोला गया। हनुमान के लिए कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि जहाँ जहाँ रामायण होती है हनुमान वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं। और ये भी बोला है कि शास्त्र पुराण पढ़ने वालों को पाप कर्म नहीं करता उनके ऊपर। तो यहाँ मुरली जो पढ़ने में लगे रहते हैं उनके पाप ज्यादा बनते हैं, यह दुनियावी धंधा धोरी में लगे रहते हैं उनके पाप ज्यादा बढ़ते हैं। मुरली पढ़ेंगे उस समय जरूर कुछ है, बुद्धि अच्छी तरफ जाती है। और इसका मतलब डीके में जो मुरलियां पढ़ते हैं सुनते हैं सुनाते हैं उनका मतलब पाप कर्म नहीं बनता उनका? मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं सुनाते हैं तो सुनने सुनाने से ज्ञान समझ में आ जाता है, उनकी भावना तो बदली हुई रहती है ना। भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में भी रामायण का रट्टा लगाते हैं, गीता का रट्टा लगाते हैं। गीते में भी तो भक्ति मार्ग ही चल रहा है ना बाबा पूरी तरह। कौन मना कर रहा है कि भक्ति मार्ग नहीं चल रहा है? भक्ति मार्ग चल रहा है तो भक्ति किससे आती है? रावण से आती है। वो रावण के मुख जो है वो असली ज्ञान तो नहीं सुना सकते। वो लोग ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, कोई दीदी दादी को भी फॉलो करते हैं, और उनके लिए तो वही रावण हो गए। रावण के अनेक सिर होने चाहिए ना, एक सिर थोड़े ही है, और राम को तो एक ही सिर है। राम को हाँ, वो तो एक ही सच्ची बात बोलेगा, दूसरी बात तो बोलेगा नहीं। जब हम डीके में थे तो हमको भी जो है उल्टे सीधे सिखाते थे है? और बैठता नहीं था। और माया अब सिखाती है कि नहीं?
माया अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। लेकिन वो माया जो है वो अपोजिशन करके उल्टी पढ़ाई पढ़ाई देती है कि नहीं पढ़ाई देती है? कभी जो अपोजिशन कर दिया हम, कभी हम उसके सामने अपोजिशन कर देते हैं, वो भी हार जाती है हमसे। हम कभी कभी हमको भी हारना पड़ता है, कभी 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 ज्ञान प्राप्त होता है फिर भी है राम ही रावण कैसे बनता? क्योंकि बाप बच्चों में नंबरवार प्रवेश करते हैं ना, बाप दादा बच्चों में नंबरवार प्रवेश करते हैं कि एक ही साथ एक एक में ही प्रवेश करते रहते? नंबरवार प्रवेश होता है, 100 मणकों में भी प्रवेश होता है, रुद्रमाला है ही मुख लेने की यादगार। और मुरली में आया कि मुरली सुनते वक्त और सुनाते वक्त पाप कर्म नहीं बनता, लेकिन समझते और समझते अगर मुरली सुनाए तब ना उसमें मिक्स करके सुनाई दिया तो बनता है, वही समझते और समझाते आगे बनता है ना। नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं कि समझाई हो तभी सुनाए, कोई तो रटा हुआ जीव का त्यों सुनाई देते हैं। और जो सजाएं मिलती है वो लंबे समय तक सजाएं मिलती रहती हैं, हम भोगते रहते हैं। कोई भी प्रकार हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा, हाँ ऐसे ऐसे अनुभव होगा। जैसे जैसे हल्का दुख होता है तो हल्का दुख लंबे समय तक भोगते रहते हैं, तो उसमें भी समय लंबा हो जाता है। और जब बहुत दुख पड़ता है, एक घंटे के लिए कोई विशेष दुख पड़ गया तो वो एक घंटे का समय लंबा हो जाता है या छोटा रहता है? तो ऐसे ही धर्मराज एक सेकंड में जन्म जन्मांतर की सजा का अनुभव कराई देगा। है अरे समय लंबा मालूम पड़ेगा या छोटा मालूम पड़ेगा? समय के लिए तो खास गीत गाते हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, सुख का समय छोटा हो जाता है। सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, भाग जाता है। और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत। इसलिए शास्त्रों में जो देवताओं के वर्ष हैं वो बहुत लंबे दिखाई दिए और मनुष्यों के वर्ष कई गुने कर दिए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और अच्छे अच्छे ध्यान में जाने वाले जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार बजाते थे, हाँ जी आज हुआ है नहीं है, क्या हुआ कोई बात नहीं सबसे आगे है। तो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले कौन और जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार बजाते हैं? जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप कौन है जिस समय मुरली चलाई जा रही है? जिस समय ये मुरली चलाई जा रही है उस समय माँ बाप कौन थे साकार में? ब्रह्मा सरस्वती। तो उनके ऊपर डायरेक्शन जाते थे, तो यज्ञ के आदि में जो इतने पावरफुल थे कि मम्मा बाबा के ऊपर भी डायरेक्शन जाते थे, उस समय कितने पवित्र बुद्धि होंगे। बाद में क्या हुआ, माया ने उनको भी पकड़ लिया क्योंकि ज्ञान पूरा था नहीं। और अभी तो ज्ञान पूरा खुल गया है, ज्ञान नहीं था इसलिए टूट पड़े। क्योंकि एक होते हैं भावनावान दिल वाले और दूसरे होते हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे। तो बुद्धिमानों को क्या चाहिए, बुद्धि का भोजन चाहिए या भावना की बात चाहिए? बुद्धि का भोजन चाहिए, बुद्धि का भोजन है ज्ञान, और शुरुआत में ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान तो सुनाया ही तब है, विस्तार ज्ञान का हुआ तब है जब ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली।
और हमें खाली हिसाब करना बनता नहीं हमारे। और 63 जन्मों में उनके साथ जन्म हिसाब किताब नहीं बांधा है? कितना बांधा होगा क्या? जितना बांधा होगा उतना हिसाब किताब करना होगा। और बाबा प्रजापिता ही आदि ब्रह्मा है ना, प्रजापिता आदि ब्रह्मा तो प्रजापिता ही है ना। हाँ जी, आदि ब्रह्मा जो है वो प्रजापिता ही है ना। हाँ जी, और ब्रह्मा दादा ब्रह्मा शरीरधारी को कहते हैं कि बिना शरीर वाले को कहते हैं, शरीरधारी को कहते हैं। शिव जब आते हैं तो पहले पहले कौन से शरीर का आधार लेते हैं? टेम्पररी रथ का आधार लेते हैं। तो टेम्पररी रथ ने ये साक्षात्कारों का अर्थ किससे सीखा है? प्रजापिता से सीखा। तो फिर असली ज्ञान कहाँ से मिला? बीज कहाँ से निकला? बाप से बीज निकला। और बेटा वाला नाम मामा आदि में ही होगी ना फिर? ओम राधे मम्मा भी तो आदि में होगी ना। ओम राधे मम्मा आदि में क्यों होती है? वो तो सरस्वती नदी है न। सरस्वती तो बीच में आती है और बीच में चली जाती है। बोला है ना कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा पापा को ड्रिल कराते थे। तो सरस्वती ड्रिल कराती थी क्या? हाँ, मम्मा बाबा को ड्रिल कराते माने सरस्वती ओम राजे को भी ड्रिल कराते थे। वो होगी तब तो ड्रिल कराएगी। जो तो पढ़ने वालों के रूप में थे। हाँ। वो पढ़ाने वालों के रूप में थे। और आज ही मुझे बताया था जरूर को झगड़ा हुआ होगा। यज्ञ के आदि में धोबी घाट था या नहीं था? आदि में भी धोबी घाट था और अंत में भी धोबी घाट चला। और ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा कब होता है और बाहर की दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा किस बात पे होता है? प्योरिटी के ऊपर, इम्प्योरिटी के ऊपर ही झगड़े होते हैं। तो यज्ञ के आदि में भी बाप तो बाप है और बच्चे बच्चे हैं। इस रहस्य को, धोबी घाट के रहस्य को बाप जैसी आत्माएं ज्यादा समझेंगी या बच्चे ज्यादा समझेंगे? बच्चों की संख्या हुजूम है चंद्रवंशियों को लेकर, और सब वंशियों तक के बच्चे ब्रह्मा की गोद में पले थे। उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। तो जिन्होंने नहीं पहचाना उन्होंने असुर समझा, राक्षस समझा या देवता समझा या मनुष्यों का पिता समझा? क्या समझा? राक्षस समझा। तो राक्षस को क्या करते हैं? रावण को है जला दो ना के उसकी राख भी खलास कर देते हैं। को टाइटल मिलता है ना जी, और बाबा आके जमुना के कंठे पे स्वर्ग स्थापन करते हैं। हाँ जी, तो ये कि पहले पहले सहयोगी कौन बना? जो पहले पहले बीज डाला जाता है मौसम में वो ज्यादा फलदायी होता है, या जो बाद में फिर बीज डाला जाता है वो ज्यादा फलदायी होता है? तो जमुना में ज्ञान का बीज पहले डाला गया, जमुना पहले सहयोगी बनी या गंगा पहले सहयोगी बनती है? जमुना पहले सहयोगी बनती है। तो आज में जिन्होंने सहयोग दिया जब कोई सहयोगी नहीं था तो उनका मूल्य ज्यादा या बाद में सहयोगी बनने वालों का मूल्य ज्यादा? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला दिल्ली में जो सहयोगी बने, एडवांस पार्टी के आज में जो सहयोगी बने वो कितना भी विरोध करें परंतु बाप एहसान मंद है या एहसान फरामोश है? एहसान मंद है। बाप आज के एहसान को नहीं भूलता, इसलिए अंत तक उनको सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। आज की दोस्ती है। और बाबा जमुना के कंधे पे स्वर्ग, वो तो जमुना तो ठीक है, चैतन्य जमुना का कैसा?
कंठे का मतलब क्या होता है, नजदीक या दूर? अरे जब मिलते हैं तो किससे मिलते हैं, गले से मिलते हैं कि पांव से मिलते हैं? ज्यादा नजदीक स्थूल में कहाँ पहुंचते हैं, गले से मिलते हैं। कंठा माने नजदीक। और बाबा फिर भी गंगा का ही नाम भक्ति मार्ग में पड़ेगा। हाँ, तभी नाम होता है जब गंगा ऐसा काम करती है जो सर के ऊपर चढ़ाई के रखी जाती है। जो बहुत सर्विसेबल बच्चे होते हैं, बहुत सेवाधारी बच्चे होते हैं, बाप उनको सर पर चढ़ाते हैं। लौकिक में भी जो बाप का बहुत प्यारा बच्चा लगता है देखने में, तो बाप प्यार के मारे उसको सर पर बैठा ही लेते हैं। जब देह अभिमान रूपी राख भी खत्म की जाती है, देह अभिमान की राख बनाने से पहले, देह अभिमान है ना, वो राख तो नहीं बना अभी, लेकिन जब मरते हैं तो उससे पहले देहवान कुछ होता जरूर है, और वो देहवान पूरा खत्म करने के लिए कोई न कोई पत्थर डाला जाता है। क्या पत्थर माने? चैतन्य पत्थर होगा या जड़ पत्थर होगा, कोई चैतन्य पत्थर की ही बात है। तो वो पानी में डाला जाता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं, तो बुद्धि खुल जाती है, देहवान सारा खलास हो जाता है। निमित्त सबके अलग अलग हैं, एक निमित्त नहीं है। और भक्तिमान जो दिखाते हैं कि पार्वती के पिता ने यज्ञ रचा था। हाँ जी, पार्वती को शंकर जी को नहीं बुलाया, पार्वती जी बिना बुलाए थे नहीं, उनके लिए वहाँ पे कोई स्थान नहीं था, उनके लिए कोई वहाँ पे जगह नहीं बनाई गई थी। हाँ, पूजा देने के लिए उनको मान मर्तबा नहीं दिया गया। ये अभी की बात है, अभी जो भी पार्वती वाली आत्मा होगी वो देह अभिमान को स्वाहा करने वाली होगी कि देह अभिमानी होगी? महाकाली की तरह देह अभिमानी होगी या महागौरी की तरह देहवान बिल्कुल खलास करके निकलेगी? खलास करके निकलती, मान मिले या अपमान मिले, हमें तो अपने नीत नियम पर चलना है। क्या? अपने चंद्रवंशी की लाज रखनी है। राधा कहाँ से आती है? है अभी नहीं हो रहा है, ये बेसिक वालों में विनाश नहीं हो रहा है, अभी समझ में नहीं आया। कृष्ण सुदर्शन चक्र घुमाता है तो शिशुपाल, और ये जो जरासिंध है, कंसी है, इनका देवान खलास होता है कि नहीं? वो समझते हैं हम तो बहुत ऊंचे हैं। फिर जब ज्ञान का सुदर्शन चक्र घूमता है तो उन्हें पता चलता है कि ऊंचा कौन है और नीचा कौन है, असुर कौन है और देवता कौन है, पता चल रहा है कि नहीं? पता चल रहा है, तो उनका देवान चकनाचूर हो जाता है, गला कट जाता है, आत्मा अलग हो जाती है और देवान अलग हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इधर राम का नाम लेके अंदर माना राम के विरोध चल रहा है, एक ऐसा क्या है? है ये राम के बारे में सब विरोध कर रहे हो, ऐसा उधर उपासना कर रहे हो, राम बावरी मस्जिद पे है ना, इधर साधु बोल रहे हैं कि राम से सोनिया ने माफी मांगना चाहिए, इधर उसके ऊपर वो राज्य कर रहे हैं, ऐसा माना राम संप्रदाय वालों के ऊपर वो राज्य कर रहे हैं। हाँ, तो इधर भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, हाँ। इधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, हाँ। इसका क्या है? तो राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय वाले अपोजिशन में बोलेंगे, पार्टी बाजी अंदर राज्य कर रहे हैं, पार्टी फिक्शन डाल रहे हैं अंदर। यहाँ नहीं फिक्शन पड़ रहा है, उधर वो बोल रहे साधु संत सन्यासी दुनिया के, तो वो बोल रहे सोनिया ने माफी मांगना चाहिए हमसे, ऐसा ही होने देना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए,
ये बोल रहे भारतीय जनता पार्टी वाले मंदिर बनना चाहिए, वो बोल रहे हम नहीं बनने देंगे। अरे तो भगवान का मंदिर बन के रहेगा, वो तो बन ही वो यहाँ भी बन के रहेगा, वहाँ भी बनेगा बाबा लालचंद। वो भक्ति मार्ग का मंदिर होगा, ये ज्ञान मार्ग का मंदिर है। बाबा की स्वर्ग में बाबा की याद नहीं होगी, संगम की स्वर्ग में होगी, वहाँ होगा संगम भी स्वर्ग इसी दुनिया में होगा। संगम भी स्वर्ग होगा, तो जहाँ स्वर्ग होता है वहाँ स्व स्थिति होती है या देह की स्थिति होती है? परमात्मा को भूल जाना होता है क्या? अरे जहाँ आत्मा है आत्मा से परमात्मा अलग है या नजदीक है? आत्म की स्थिति स्वयं ही देवता रूप है, वहाँ देवान का रूप ही नहीं है। और आत्मा बिना शरीर कुछ करने के है, लेकिन गांव में ऐसी कथाएं बताई जाती है, मचान में रोने की आवाज आती है, चलते चलते पत्थर गिर जाते हैं, हिसाब किताब है, या चलते हुए बैलगाड़ी के बैल भी रुक जाते हैं है? तो इसमें कहां तक सत्य है? तो सूक्ष्म शरीर देखने में आता है लेकिन होता है या नहीं होता है? तो सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? जो बैलगाड़ी होती है बाबा उधर ही घूमती हो, घूमती है, क्या हो गया ना? जो 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 बड़े वालों वाले बाबा हैं साईं बाबा, वो कहते हैं बच्चे क्या चाहिए, लड्डू चाहिए पेड़ा चाहिए, वो बताता लो ये कहाँ से आ गया है, ये भूत प्रेतों की सिद्धि से आ गया। और बाबा में बाबा ने कहा था 2036 तक 9 लाख आत्माएं प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष रूप में जन्म होगा। माने सितारे 9 लाख होंगे या नहीं होंगे? नहीं तो गायन कैसे भक्ति मार्ग में होंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि 9 लाख आत्माओं का प्रत्यक्ष रूपी जन्म होगा। हाँ प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, 18 में कृष्ण का जन्म होगा या नहीं होगा? 18 में बाप प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होगा या अकेला प्रत्यक्ष होगा? तो दो यहाँ भी हुए तो 36 में भी 9 लाख हो जाएंगे। बाबा उसमें ये कहा था वार्तालाप में ये भी कहा कि जैसे आज लक्ष्मी और नारायण में उनके जो बच्चे हैं राधा और कृष्ण उनकी आत्मा आज प्रवेश करके कार्य कर रही है, तो आज जैसे प्रत्यक्ष है कि ये बाप जो है ये नारायण उसी कृष्ण को जन्म देने वाले हैं, उसी प्रकार 9 लाख आत्माओं का प्रत्यक्ष रूपी जन्म 2036 तक होगा। हाँ तो लोग समझ लेंगे कि असली प्यार ये है, राम कृष्ण ही जन्म जन्मांतर के साथ ही है। लेकिन उसमें बाबा ये भी कहा कि स्थूल जन्म की बात नहीं है। वो स्थूल जन्म किसकी बुद्धि में होता है, भक्तों की बुद्धि में होता है या ज्ञानियों की बुद्धि में? उसमें ये भी बात कहा है बाबा है कि सतयुग का जो फर्स्ट प्रिंस है, है? उसके 150 साल तक 9 लाख आत्माएं उतरती रहे, जो उतरती रहेंगी तब तो 9 लाख आबादी होगी। इसका मतलब 2036 तक तो जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है 18 साल होता है, 2018 + 150 अगर करेंगे तब तक 9 लाख की संख्या हो जाती है। क्या हुआ, ज्यादा योगी होंगे वो जन्म देने वाले होंगे या लेने वाले होंगे? देने वाले ज्यादा योगी होंगे तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ तो 2036 तक कुल मिला के स्थूल रूप से कितने लोग प्रत्यक्ष रहेंगे? 4.5 लाख जन्म लेकर 4.5 लाख जन्म लेकर प्रत्यक्ष रहेंगे 36 तक, लेकिन जो महाविनाश होगा उस महाविनाश के टाइम पर जो दूसरे धर्म के बीज हैं जिनमें कड़क छिलका चला चढ़ा हुआ है वो पूरा पुरुषार्थ कर पाएंगे, तो देवान उनमें आएगा या नहीं आएगा? अंत समय देवान आएगा, मारे जाएंगे। बाबा देवान जब आएगा तो जरूर नारायण के ऊपर उंगली भी उठाएंगे ना? अरे अभी उंगली नहीं उठा रहे हैं दूसरे धर्म के एडवांस पार्टी में जो दूसरे धर्म की आत्मा है, अभी तो उठा ही है। तो सदगुरु निंदक थौर नपावे, जो सतयुग में पहले जन्म का थौर होगा उसमें से कट हो जाएगा ना। बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि नारायण जब बनता है राम वाली आत्मा, आज तो सब लोग उंगली उठाते हैं लेकिन एक बार जब नारायण की स्थिति प्राप्त करेंगे तो कोई उंगली उठाने का जरूरत ही नहीं करता। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में कोई ने उंगली उठाई होगी, ग्लानी की होगी, तो भक्ति मार्ग में भी ग्लानी करेंगे।
वो संपन्न की ग्लानी करेंगे या जब तक असंपन्न है तब तक ग्लानी करेंगे? तो वही समय का गायन है। 2018 में तो बाप को पूरा संपन्न रूप से हो जाता था। हाँ, लेकिन 2020 में जब व्यवान चढ़ता है उन स्टेट रिटर्नियों का, हाँ, तो वो लोग जब उंगली उठाएंगे ना कभी, हाँ, व्यवान है माना कहीं ना कहीं वो लोग नारायण को नारायण करके मानेंगे। ठीक है, उंगली उठी तो संपन्न रूप से कभी उठी, संपन्न रूप क्षेत्र की नहीं उठी। क्या होता है, जैसे मनुष्य होता है और ड्रामा में गधे का पार्ट बजाता है तो क्या गधा होता है? है नहीं होता है। ऐसे ही पार्ट चलेगा, पार्ट बजाएंगे। तो नारायण माना जन्म देने के बाद भी नारायण को कैसा रूप बताएंगे जिसके जिसके वजह से सामने वाले की प्रति सामने वाले को नारायण नहीं बल्कि और भी कोई दिखाई पड़ता हो? देखो, एक ही आदमी एक पार्टी को पापी दिखाई पड़ता है और वही आदमी दूसरी पार्टी को बहुत प्यारा दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों अंतर होता है ज्ञान और अज्ञान की? अंतर है। 2036 तक मात पिता के रूप में जन्म देने वाले कितने तैयार हो जाते हैं? 1,00,000 तक ही तैयार हो जाते हैं जो रुद्रमाला के मण के शालिग्राम के रूप में रुद्र यज्ञ रचा जाता है और बनाए जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कितने बनाए जाते हैं? 1,00,000 और जास्ती से जास्ती 2,00,000 बस। और सुबह से बनाना शुरू करते हैं और शाम को सब बिगाड़ देते हैं। बाबा, अनेक जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भगवान अंतिम जन्म में मिलता है, तो भगवान मिला माने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए? बेसिकली बेसिकली पाप नष्ट होते हैं तो भगवान डायरेक्ट मिल जाता है। हैं? 63 जन्मों का हिसाब बेसिकली पूरा हो गया, गहराई में भी पूरा नहीं हुआ। और बाबा, तो आज जो आत्मा है, बाबा ने बताया 24 जो है वो स्वदेशी है और 84 जो है वो विदेशी है। इन 24 में से भी 12 जो है वो चंद्रवंशी बोला, उसमें से भी चंद्रवंशी बाबा ने बोला जो शेष चंद्रवंशी होंगे उनको भी आखिर में शरीर छोड़ना पड़ेगा अगर वो सूर्यवंशी में तब्दील नहीं होंगे। तो बाकी जितने भी 84 है बाबा, टोटल 108 में से कितने लोग पक्के सूर्यवंशी में तब्दील हो जाते हैं? जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो 12 ही तो बनेंगे। पक्के तो 12 ही बनेंगे, लेकिन कई लोग सूर्यवंशी में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। वो प्रजा होगी, लेकिन कन्वर्ट करेंगे ना सूर्यवंशी, भली प्रजा हो वो ही कन्वर्ट करेंगे। 84 वर्ष सब लोग करेंगे? अरे यहाँ 12 में अलग अलग स्वभाव संस्कार के हैं या एक ही स्वभाव संस्कार के हैं? अलग अलग स्वभाव संस्कार के हैं। उनमें लास्ट वाले 4 तो ऐसे हैं कि सिर्फ आज में थोड़ा सा सहयोग करते हैं और अंत तक पूरे विरोधी होकर के रहते हैं। वो भी 12 की लिस्ट में आ सकते हैं। तो जो प्रजा उनकी होगी वो भी तो उसी कैटेगरी की होगी। इसलिए अभी क्या बोला कि जो भी एडवांस में आ रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। और बाबा, कन्वर्ट जब होंगे तो ही उनका गारंटी है कि वो इसी चोले से नर से नारायण बनेंगे। अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनका गारंटी नहीं है। कन्वर्ट हो गए ना सूर्यवंशी में? नहीं, दूसरे वंश में कन्वर्ट होंगे तभी तो सूर्यवंशी में कन्वर्ट होंगे। नहीं, जैसे अभी इतना अभी सारी दुनिया में जब भगवान आता है तो सारी दुनिया में और वंशों के होते हैं कि सूर्यवंश के होते हैं? और वंश के हो जाते हैं, सारी दुनिया रावण संप्रदाय। और लेकिन वास्तव में जब सूर्यवंशी कहाँ जाता है तो सूर्य को ही अपना सब कुछ मानना चाहिए ना? चाहिए की बात थोड़े ही हो जाती है, आखिर चाहिए चाहिए करने से थोड़े ही हो जाता है। लेकिन सूर्यवंशी सब कहाँ जाएगा ना बाबा, जब सूर्य को ही अपना सब कुछ मानेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे उनके सामने झुकेंगे ना, तो मतलब तभी तो होगा ना। तो 8 ही निकलते, सिर्फ 8 ही होंगे और बाकी लोग होंगे 108 में से? बाकी होंगे लेकिन उन्हें टाइम लगेगा। तो वो इसी चोले से बनेंगे या नहीं? घर से ना रहेंगे चोले से बनेंगे तो फिर खेत
ये ठेठ शब्द का मतलब ये है माया सबको चंबा खिलाती है। ऐसा कोई अहंकार न करे कि हमको माया लोड़ा नहीं खिलाती, लेकिन कोई को आखिरी जन्म में खिलाती है और कोई को द्वापर युग शुरू होता है और इब्राहिम की आत्मा प्रवेश कर जाती है, उनके फॉलोअर्स प्रवेश कर जाते हैं। तो शुरुआत से ही लोढ़े में आ गए, ऐसे यहाँ शूटिंग पीरियड में भी होता है। और बाबा कितने देर लगी स्कूल कर्म कर सकते हैं? कर सकते नहीं है तो ये मुरली चलते चलते विरोधी वाक्य कहाँ से आ जाता है, जिसको लौकिक दुनिया वाले भी समझते हैं ये झूठ है कि सच है। मुरली चलती है तो मुरली चलते समय कोई कोई बात ऐसी निकलती है उसमें कि दुनिया वाले भी समझे कि ये झूठ है कि सत्य है। बेसिक वाले भी समझ सकते हैं ये बात झूठ बोली या सत्य बोली। अरे ऐसे इसकी बात आ जाती कि नहीं आती है? साइंस की बातों को तो नहीं मानते हैं। साइंस नहीं मानता है तो साइंस कौन भगवान को पहचानता है? साइंस तो रावण वालों की हाथ से आती है। और साइलेंस हाँ, तो जो ज्यादा पावरफुल चीज होती है वो साइंस है या साइलेंस है? साइलेंस ज्यादा पावरफुल है, तो इतनी पावरफुल हो जाएगी अगर नहीं माना तो किया साक्षात्कार और भागा। और बाबा ये मूर्ति में मूर्ति जब छुपी आती है उसके ऊपर लिखा रहता है शिव बाबा याद है, लेकिन जिन्होंने वो बात छापी है उसमें शिव बाबा याद, उनको शिव बाबा याद है? वो तो ड्रामा प्लान अनुसार जैसे शास्त्र बनते हैं, जैसे पुरानी फिल्मों में गीत गाने वालों ने गाए हैं, क्या वो उनके अर्थों को जानते हैं? नहीं जानते, अनजाने में ऐसे ही लिख देते। तो ऐसे ही ये ड्रामा बना हुआ है, शिव बाबा याद है लिखने वालों ने लिख दिया, भले उसका अर्थ नहीं जानते। फिर जिन्होंने लिख दिया पिताश्री, उन्होंने भी लिख दिया, वो नहीं जानते कि ये पहले हम शिव बाबा याद है लिखते थे, अब शिव बाबा याद है से पहले पिताश्री लिख दिया, ये क्यों लिख दिया वो जानते हैं क्या? ऐसे ही अनजाने में लिख दिया। लेकिन एक कन्वर्ट ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? कन्वर्ट जो किया उसने कुछ फर्क तुमको नजर आया होगा ना? वो क्या होता है जब देहभान ज्यादा बढ़ता है तो देहधारी के प्रति ज्यादा प्यार हो जाता है और निराकार के प्रति प्यार कम हो जाता है, तो जो ज्यादा प्यार बढ़ गया उसके रिजल्ट में वो पिताश्री ऐड कर दिया गया। अच्छा, अभी उसके नीचे जो मुरली सारी लिखी गई है, बहुत सारे उसमें महावाक्य आए हैं और उन महावाक्यों को सिर्फ उन्होंने लिखा है, उसको समझा नहीं एक भी बात है। और लिखने के बाद भी उन लोगों ने नीचे जो लिखा हुआ है ओम शांति, तो उसका क्या भाव अर्थ? क्या बात हो गई? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे सारी बात को नहीं समझा इन लोगों ने, वैसे ओम शांति को भी नहीं समझा। नहीं समझा ओम शांति को? किसने समझा? अरे तीन आत्माएं शांत हो जाएं तो सारी दुनिया शांत हो जाएगी। और बाबा कहते पूरी बताएंगे साकार निराकार का मेन को शिव बाबा कहा जाता है, तो बिंदु की कोई बात ही नहीं, बिंदु कोई बात ही नहीं, तो ऊपर जाने नीचे आने जाने क्या सवाल? शिव बाबा सदा काल रहता ही है। शिव बाबा सदा काल रहता ही है, तो दो बिंदु अलग अलग नहीं है? शरीर तो एक है, पर्सनालिटी तो एक है, व्यक्तित्व तो एक है, लेकिन आत्माएं दो है या एक है? दो है, मगर शिव बाबा सदा काल रहता है, मतलब दोनों आत्मा एक साथ में रहते। अरे आप समान कौन बनाने आता है? ऊपर वाला आता है कि नीचे वाली आत्मा होती है? ऊपर वाला आता है, क्या बना के जाता है? आप समान बना के गया तो दूसरी आत्मा आप समान बाप समान बनी या एक ही थी? बनाने वाला और बनने वाली आत्मा एक ही हुई या दोनों अलग अलग है? तो जो बनाने वाले ने बना दिया तो ऊपर जाएगा नीचे क्या करेगा? तो एक हो जाता है तो वो शिव बाबा हो गया। अलग कैसे गए? अलग कहाँ? एक हो गया ना। एक कब हो गया? जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग,
वो अंत तक अलग ही अलग समझेंगे या एक समझेंगे? अलग समझने से कोई फायदा ही नहीं, एक फायदा नहीं। क्यों फायदा क्यों नहीं? निराकरण से क्या फायदा होगा? अरे दूसरों दुनिया वालों को कैसे समझाएंगे? दुनिया वाले ऊपर वाले को मानेंगे या नीचे वाले को मानेंगे? दुनिया वालों के लिए हम कहेंगे वो। आपको दुनिया को समझाना है ना, विश्व पिता के बालक क्या बनेंगे? विश्व पिता के बालक क्या बनेंगे? विश्व के मालिक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो सब थोड़े ही बनेंगे, सबकी बुद्धि में ये थोड़ा ही आएगा क्या कि दो आत्माएं अलग अलग है? जिनकी बुद्धि में नहीं आएगा वो शिवशंकर एक कर देंगे। अरे शिवशंकर को एक करने वाले भी कोई होंगे या नहीं होंगे? अभी ज्ञान में बहुत ऐसे लोग हैं जो निकल पड़े हैं और कहते हैं जो राम वाली आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करके शिव बाबा बन जाती है। अरे तो उसको बनाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए कि अपने आप बन जाती है? समझाने के लिए ठीक है, समझाने के लिए ठीक है, और बेसमझ बनाने के लिए बेसिक में बताया सूक्ष्म पतन है, मुरली में ये नहीं आया, सूक्ष्म पतन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझ लेना चाहिए ना। वैसे आड़वाज में आने के बाद जैसे परमधाम ऊपर है बोल रहे, ऊपर का आत्मा का कोई मतलब नहीं, साकार में परमधाम होगा ना, साकार में परमधाम होगा, और निराकारी आत्माओं का परमधाम नहीं होगा, निराकार स्टेज हो जाएगी, निराकारी स्टेज हो जाएगी, माने शरीर सहित हो जाएगी या शरीर बिगड़ हो जाएगी? शरीर साथ हो जाएगी, शरीर के साथ हो जाएगी वो परमधाम में, इधर साकार में, साकार में जो साथ हो जाएगी वो साकारी परमधाम, वो सब आत्माओं के लिए नहीं है, 500 करोड़ के लिए नहीं है, वो सीमित आत्माओं के लिए है, 9 लाख। हाँ 9 लाख आत्माएं बीजू के स्टेज धारण करेंगी, उनके लिए तो ये बात रहेगी, उनके लिए परमधाम यहीं पे रहेगा ना, अब उनके लिए रहेगा तो इससे ये साबित थोड़ी हो गया कि ऊपर वाला परमधाम है ही नहीं।